नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सीएमओ ऑफिस की, जहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो कूड़े का ढेर वहां लगा हुआ है, उस कूड़े के ढेर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित जो दवाइयां हैं या जो और परिवार नियोजन के संसाधन जिनको हम कह सकते हैं, उनके ढेर लगे हैं। वहाँ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी ने जायज़ा लिया। देखिए वहाँ की ये बड़ी अजीब और हैरान कर देने वाली तस्वीरें। ये नज़ारा है राजधानी देहरादून के सीएमओ कार्यालय का, जहां स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण मरीजों के दस्तावेज और दवाइयां कूड़े के ढेर में तब्दील हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क बांटे जाने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री सीएमओ कार्यालय में कूड़े के ढेर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी हितेश त्यागी ने जब इस संदर्भ में सीएमओ साहब से बात की, तो सुनिए सीएमओ साहब का बहुत शानदार ये जवाब। हम खड़े उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सीएमओ कार्यालय पे, जहाँ पर हमने आज से पहले भी घोर लापरवाही को लेकर खबर चलाई थी, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग जागने का नाम नहीं ले रहा है। लापरवाही की हद तब हो गई जब हम दोबारा यहाँ पर सर्च करके लिए, और लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि वही जो का त्यों कूड़े का अंबार, महत्वपूर्ण कागजों का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद है सीएमओ साहब हैं। सीएमओ साहब, आपका इस मामले पर क्या कहना है? देखिए, आप भी देख सकते हैं कि जो पोलियो की पन्नियाँ हैं वे कैसे कूड़े के ढेर में सजा दी गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने एक महीना हुआ है ज्वाइन किया हुआ है, इन सबको मैंने देखा है। इन सबके ठीक करी जगह को ठीक कराने के लिए शासन को लिखा जा रहा है पूरा। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है? देखिए किस तरह से जो कूड़े के ढेर मैंने बदल दिया है। आपको मैंने बताया कि मुझे एक ही महीना हुआ है, ये बहुत जल्दी इसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। सीएमओ साहब, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दारू के जो पौधे हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और किस तरह से जो मालाडी हैं और जिनकी अभी एक्सपायरी डेट भी खत्म नहीं हुई है, कैसे कूड़े के ढेर में तब्दील कर दी गई है। क्या ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं है? इसके लिए पूरी जांच कराई जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब, अभी एक महीना बता रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र की, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये क्या है? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इन दस्तावेजों को भी दिखाने की कोशिश करें, कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, आपसे पहले भी हमने दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, कितनी बड़ी घटना यहाँ घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस तरह से कूड़े के ढेर में पानी में तब्दील कर दी गई है। कब आखिरकार जो लाखों करोड़ों रुपए के बजट को लगाकर इन चीजों को गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के लिए बनाया गया था, पर लेकिन ये क्या यहाँ पर सजा दी गई है? ये कॉन्डम्स की पेटियां हैं, अब से 6 महीने पहले भी यहाँ पर ऐसे ही थी और आज भी ऐसे ही है, और लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये हाल है सीएमओ कार्यालय का, जहाँ सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीएमओ साहब, देखिए किस तरह से बियर की बोतलें और इंग्लिश वाइन की जो बोतलें हैं रॉयल स्टेज की, यहाँ पर पड़ी है, बिल्कुल वहाँ पर आपको बोतल भी दिख रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या व्यवस्था है आपके राज में, यहाँ पर बताइए। इसकी जाँच कराई जाएगी कि ये कैसे यहाँ पर आई हैं, उसके बाद उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्या आज के बाद यहाँ पर जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ पर पेटियाँ रखी हुई है, जो यहाँ पर आपने सजाई हुई है, बिल्कुल लोगों तक पीड़ितों तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? पूरा बिल्कुल सही होगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि रखने की हमारे पास पूरी जगह नहीं है। इसके लिए पूरा ठीक होने के लिए पूरा थोड़ा समय मिलेगा, पूरा ठीक हो जाएगा। देखिए सीएमओ साहब आश्वासन दे रहे हैं, पर लेकिन ये नहीं पता कि कब अपनी नींद से जागेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल कहना कहीं सरकार के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में थे त्यागी, नेशन वन, देहरादून। तो ये थे सीएमओ ऑफिस के हालात और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी योजना और स्वास्थ्य सामग्री की अनदेखी करते ये विजुअल, और कैसे दो शब्दों में सीएमओ साहब ने
इस घोर लापरवाही पर अपनी सफाई दे डाली। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।